अभी परसों मेरे को बहुत दुख हुआ, ये बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा केजरीवाल आतंकवादी है। मैं आपको आतंकवादी नजर आता हूं? बीजेपी वालों ने कुछ, बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों, अपनी पूरी जिंदगी में मैंने अपना तन मन धन अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम न्योछावर कर रखी है। कभी अपने लिए कुछ नहीं करा, अपने बच्चों के लिए कभी कुछ नहीं करा, अपने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं करा। इनकम टैक्स की नौकरी करता था मैं, इनकम टैक्स में कमिश्नर होता था। इनकम टैक्स की कमिश्नर की नौकरी करोड़ों रुपए कमा सकता था उस टाइम। इनकम टैक्स की कमिश्नर की नौकरी छोड़ के और मैंने अन्ना आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ हिस्सा लिया था। शुगर का मरीज हूं, डायबिटीज का मरीज हूं, 4 बार दिन में मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। किसी भी डॉक्टर से पूछ लो जो शुगर का मरीज होता है और जिसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, अगर वो 3-4 घंटे भूखा रह जाए उसकी मौत हो जाती है। मैं 15 दिन भूखे रहा था अपने देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाने के लिए। ये तो ऊपर वाले का कुछ करिश्मा है जो जिंदा खड़ा हूं आज आप लोगों के सामने। मैंने अपनी जान दांव पे लगाई है अपने देश के लिए, और ये बीजेपी वाले कहते हैं कि मैं आतंकवादी हूं। फिर मैं शाम को जब घर पहुंचा, मैं अपने मां बाप के साथ रहता हूं, मेरे माता पिता भी मेरे साथ ही रहते हैं। रोज शाम को जाके मैं अपने मां बाप से थोड़ी देर बात करता हूं, पूरा दिन में जो भी बात हुई। मेरा इंतजार कर रहे थे मेरे मां बाप, शाम को बोले सुबह से टीवी पे चल रहा है केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल आतंकवादी है। मेरे मां बाप को बहुत दुख हो रहा था, बोले हमारा बेटा कट्टर देशभक्त है, हमारा बेटा आतंकवादी नहीं है। भाई साहब, आप सब लोगों का बेटा बनके मैंने 5 साल काम किया है, अब आपको तय करना है कि आप मेरे को बेटा मानते हो कि आतंकवादी मानते हो। अगर आप मेरे को आतंकवादी मानते हो तो 8 तारीख को कमल पे वोट दे देना, और अगर आप मेरे को अपना बेटा मानते हो तो 8 तारीख को झाड़ू के ऊपर वोट दे देना।